दूसरा जो मुकाबला है, दूसरा मुकाबला खेला जाएगा ज्यादा दूर नहीं है धर्मशाला से, मोहाली में खेला जाएगा 18 सितंबर को। और जहीर कहीं ना कहीं वो जो बात कर रहे हैं कि प्लान्स जो थोड़े यहाँ पे थोड़े पुश बैक हो गए हैं, पर कंडीशंस प्रीटी मच सेम हैं, तो जो आपके प्लान्स अगर आप धर्मशाला में थे, मोहाली में ज्यादा बदलने की जरूरत पड़ेगी नहीं कहीं ना कहीं, आपको लगता है? मुझे नहीं लगता कि कुछ ज्यादा बदलाव होगा। देखिए आज मैच ही नहीं हुआ है तो आपको वापस पिछले प्लेइंग 11 पे ही जाना पड़ेगा कि पिछले श्रृंखला में क्या प्लेइंग 11 खेली थी। अब यहाँ पर इस स्क्वाड में ज़्यादा बदलाव है नहीं, सिर्फ हार्दिक पांड्या वापस आए तो उन्हें मौका ज़रूर मिलेगा, वो प्लेइंग 11 के हिस्सा ज़रूर होंगे। दूसरा डिस्कशन यही होगा कि श्रेयस अय्यर को मौका दिया जाए, मनीष पांडे की जगह हो सकता है श्रेयस अय्यर हमें देखने मिले। उसके अलावा मुझे कुछ ज़्यादा बदलाव इस टीम में नज़र नहीं आ रहा है। वही बस एक आज के मैच में मतलब नज़रिया तो यही था, देखना था कि थिंकिंग टीम मैनेजमेंट की किस डायरेक्शन में है। तो यही दो मुझे लगता है बदलाव पिछले प्लेइंग 11 से होने की संभावना है। उम्मीद यही है कि मौसम थोड़ा अच्छा हो अगले दो दिन में, और क्योंकि मोहाली और धर्मशाला में उतना अंतर है नहीं डिस्टेंस वाइज, तो उम्मीद यही है कि दो दिन में कुछ अच्छा मौसम देखने मिले और मैच देखने मिले, वो बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। क्योंकि जितने भी अभी यंग खिलाड़ी है उनके लिए हर एक मौका बहुत बहुत कीमती है, और मुझे ऐसे लगता है कि हमारे लिए भी जब भी मैचेस होते और देखने मिलता है तो हमें भी कुछ ज़्यादा चीज़ें होती है ऐड करने के लिए, बोलने के लिए। तो उम्मीद यही है कि एक थिंकिंग भी समझने के लिए ज़रूरी है कि थोड़ा मैच हो, एक बार प्लेइंग 11 पता चल जाए तो थोड़ा टीम मैनेजमेंट का किस तरफ उनकी उनकी पहल है वो भी थोड़ा बहुत पता चल जाए। वैसे पैथड़े पहले होते नहीं थे सर कि बारिश नहीं हो रही तो पुर पुर पुर, नौ जो स्टेट हैं पुर से जो एंड कर रहे हैं उनका नाम ले लो बारिश हो जाएगी। अब बारिश नहीं करवाने के लिए कोई पैथड़े आपने कभी सुने कि बारिश नहीं करवाने के? सर सिवाय क्रिकेट टीम के या क्रिकेट के फैंस हैं, उनके अलावा हर आदमी चाहता है बारिश हो। यू नो आप जब खेती कर रहे हो तो बारिश चाहिए, अगर पोल्यूशन है जैसे दिल्ली में है तो वो कहते हैं बारिश हो जाए। बारिश तो लाइफ देती है, ये सिर्फ क्रिकेट का मैच है जहाँ पे हम रोते हैं कि यार ये बारिश क्यों आज हो गई, बाकी बारिश तो अच्छी चीज़ है लाइफ के लिए। वैसे प्लेइंग 11 की अगर आप बात करें दूसरी T20 में, उन्होंने ऑफकोर्स वो यंग प्लेयर्स के बारे में उन्होंने बताया, पर अगर आप टॉप थ्री की बात करें और बात हो रही है शिखर धवन, रोहित शर्मा, विराट कोहली, सर अगर आप इन तीनों, आई एम नॉट सेइंग कि यू कैन नॉट डिस्काउंट देम एज एनी, बड़े बड़े विशाल बल्लेबाज हैं, पर अगर आप स्ट्राइक रेट्स देखें, बड़े सिमिलर स्ट्राइक रेट्स हैं जिस प्रकार से T20 में शुरुआत करते हैं 100, 110, 120 के आसपास, और फिर वो डीपर जाते हैं तो 140, 150 पकड़ लेते हैं। कहीं ना कहीं आपको लगता नहीं तीनों बहुत सिमिलर हैं? तो KL राहुल जो बेंच में बैठे हुए हैं और जिस प्रकार का उनका फॉर्म चल रहा है सर T20 क्रिकेट में पिछले दो साल से, मैं तो पिछले दौरे पर भी सरप्राइज था क्योंकि T20 में शायद वो नहीं खेले जो मुझे याद आ रहा है मायामी में और थर्ड खेला गयाना में, पहले मैच नहीं खेले, आखिरी में खेले। हाँ जी, क्यों, उनकी जो सबसे बड़ी स्ट्रेंथ रही है पिछले एक साल में, मैं तो मानता हूँ वो खिलाड़ी किसी भी फॉर्मेट में खेल सकते हैं लेकिन प्रदर्शन भी ज़रूरी होता है, लेकिन 2020 की प्रदर्शन से ही तो वो वापस आते रहे और उसी में आप उनको खिलाते नहीं, टेस्ट मैच में फिर खिलाते हैं, टेस्ट मैच में प्रदर्शन अब तो उनको छोड़ दिया है, यू नो। तो KL राहुल 2020 में तो डेंजरस हैं, और लेकिन शिखर धवन वनडे में स्कोर किया था, उसका प्रेशर रहता है कि उनको खिलाना, क्यों वर्ल्ड कप में वो आखिर में जब गए थे वो शतक बना के गए थे, लेकिन उस दौरे से पहले अगर आप देखें तो KL राहुल बन गए थे। आई थिंक पिछला हम शायद यहाँ पे ज़्यादा पिछला देखते हैं कि 4 महीने पहले या 3 महीने पहले, ये इस टीम के साथ जो देखने को मिल रहा है ये पिछला का मतलब है कि कल का दिन ज़्यादा से ज़्यादा देख रहे हैं। बहुत शॉर्ट क्रेडिट मिल रहा है किसी को कि पिछले स्कोर्स का, नहीं तो KL राहुल का तो फॉर्मेट 2020 सबसे डेंजरस खिलाड़ी है IPL में देखते रहे। देखिए दोनों खेले हैं, शिखर धवन का सपोजिटली अच्छा साल रहा है दिल्ली से जब खेले, और KL राहुल का भी, अगर आप दोनों का देखें अच्छे साल में आपको कौन बेहतर खिलाड़ी लगता है? मुझे तो उसमें लगते हैं, लेकिन शिखर धवन का जो पास्ट है ना, एक एस्टेब्लिश प्लेयर है इसलिए उनको शायद उनसे पहले मौका दिया जा रहा है। और जो फेलियर्स हैं KL राहुल के, वो फेलियर्स में आप 4 नंबर वाला भी इंक्लूड कर रहे हैं और वो उनकी गेम नहीं है। अगर आपने उनको 4 खिलाया, आपके पास वो लड़के नहीं थे या वो जगह पे कोई नहीं था इसलिए वहाँ जगह आपने उनको खिलाया गया था, लेकिन अभी माहौल ऐसा चल रहा है सर कि पिछला और अगला, इसीलिए जहीर खान ने भी कहा ना कि देखना चाहते थे कि आज क्या खिला रहे हैं कि भाई अब नई पहल क्या है, नई स्टोरी कौन सी हम सुनेंगे, क्योंकि
यू नो सीजन की शुरुआत है, एक 2020 के वर्ल्ड कप की हम तैयारी कर रहे हैं, 27 मैच पहले तैयारी शुरू कर दी है, तो वहाँ तो मैच ही सात होने वाले हैं, सात मैच की तैयारी 27 मैच होती है, तो बड़ा मुश्किल है करना। लेकिन मेरे से अगर आप साफ पूछें, मैं मानता हूँ कि 2020 का मैच है आज की डेट में, तो केएल राहुल सबसे पहले मेरे स्टार्टर जरूर रहेंगे। दक्षिण अफ्रीका की टीम पर एक नज़र डाल लेते हैं, और काफ़ी लोग कह रहे हैं कि ये जो टीम आई है दक्षिण अफ्रीका की, बहुत ही एक्सपीरियंस की कमी है यहाँ पे जहीर, लेकिन खास तौर में अगर बात करें कप्तान क्विंटन डिकॉक की, आपने उनको ऑफकोर्स काफ़ी क्लोज तरीके से देखा है मुंबई इंडियंस में जब ये खेल रहे थे, अच्छा साल भी इनका गया है। एक तरफ होता है बल्लेबाजी और दूसरा होता है बल्लेबाजी के साथ कप्तानी करना, टू कम्प्लीटली डिफरेंट थिंग्स, आपको क्या लगता है ही इज़ रेडी फॉर इट मानसिकता के हिसाब से? अनुभव की कमी इस स्क्वाड में ज़रूर है, लेकिन आप अगर देखोगे खिलाड़ी काफ़ी अव्वल है, मतलब आप क्विंटन डिकॉक की भी बात करो तो एडेड रिस्पॉन्सिबिलिटी है, कप्तानी करेंगे इस श्रृंखला में, और आप वेन्यूज़ पे भी अगर नज़र डालोगे तो धर्मशाला का भी वेन्यू फास्ट बॉलिंग के लिए अच्छा वेन्यू है, मोहाली का ग्राउंड भी काफ़ी बड़ा ग्राउंड है, और जैसे मौसम है मुझे लगता है कि ज़रूर कगिसो रबाडा को भी काफ़ी मदद मिलेगी, और जो ऑलराउंडर्स है जैसे पेखलुखवायो हो गए और प्रिटोरियस हो गए, इनको भी एक एडेड एडवांटेज मिलेगा, और बैंगलोर का भी विकेट हम जानते हैं कि गेंदबाजी के लिए अनुकूल हो सकता है ऐसे मौसम में। क्विंटन डिकॉक को काफ़ी अनुभव है भारतीय कंडीशंस का, तो उनके पास एक ज़रूर एडेड रिस्पॉन्सिबिलिटी होगी कि वो इस स्क्वाड को उस एक्सपीरियंस का फ़ायदा दिला के दे, और जब कप्तान को पता होता है कि कंडीशंस में कैसे खेलना है तो वो एक फ़ायदा ज़रूर होगा उनको। अनुभव इस कंट्री में खेलने का क्विंटन डिकॉक के पास काफ़ी सारा है, और उस दिल्ली के लिए भी खेल चुके हैं, मुंबई के लिए, बेंगलोर के लिए भी खेल चुके हैं वो, तो मुझे ऐसे लगता है कि उनको एक अलग रुख हम देख सकते हैं उनके ओर से, क्योंकि मुझे ऐसे लगता है कि उनके पास कप्तानी का अनुभव ज़्यादा नहीं है, लेकिन जो एक कप्तानी का दिमाग चाहिए, जो एक आर्ट चाहिए वो उनमें है, वो और जीतने की लगन है, तो मैं ऐसे समझता हूँ कि साउथ अफ्रीका क्रिकेट के लिए हो सकता है आगे वाले समय में भी फैफ डुप्लेसी से ज़्यादा हो सकता है क्विंटन डिकॉक प्रभावी हो। आपके सिलेक्शन में ऐसा कोई क्राइटेरिया है नहीं, माई इलेवन सर्कल में आपको सिर्फ myelevencircle.com पे जाना है और वहाँ पे आपने ऐप डाउनलोड करना पड़ेगा, उसके बाद स्टेप टू आता है, स्टेप टू में आप मैच चुने जिस मैच के लिए आप खेलना चाहते हैं और अपनी टीम बनाइए, और फिर ऑफकोर्स सौरव गांगुली को हराने के बाद 3 गुना मुनाफा आपको मिलने वाला है।